असलकम वाला वबरकु आज बारीख़ पाँच दिसंबर दो हज़ार तेईस बरोस मंगल मैं नाम नाममानी यदानी आप लोगों की खिदमत में वर्ल्ड करंट अफेयर यानी आलमी हालात हाजरा लेकर के हाज़िर हुआ हूँ उम्मीद है बग़ौर समात फरमाएंगे चलिए अपडेट हो जाते हैं इसराइल और फ़लस्ती के ताल्लुक से आज साठवाँ दिन है दो महीने मुकम्मल हो गए फ़लस्ती की आज़ादी के जंग के आगाज़ हुए तूफान अखसा के नाम से तो उसमें जो भी हालात हैं वो पल पल की न्यूज़ मैं आपको देता रहता हूँ और अभी जो है बजर के बाद मैं सोचा कि आपको अपडेट कर देता हूँ तो कल दिन भर के अगर निगाह डाली जाए तो एक न्यूज़ बहुत अच्छी आई वहाँ से गजा से कि गजा के जो तर्जुमान हैं अस्करी विंग के उसने कहा कि कल एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली इस लिहाज से कि हम लोग जो है एक ही तरह से इसराइली फ़ौजियों को टारगेट कर सकते हैं तो उनके जो फौजी आए हुए हैं कब्जा करने के लिए तो फिर जान पर खेल करके सर पे कफन बांध करके उसको टारगेट करने की कोशिश करते हैं और उसमें कभी पाँच में कामयाबी मिलती है कभी सात में कभी दस कभी बारह कभी पंद्रह और एवरेज जो है अल्लाह ताला कामयाबी उनको देता है दस पंद्रह दस पंद्रह जो है उनके अस्करी गाड़ियों को मिलिट्री व्हीकल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं कल उन्होंने बताया कि चौबीस घंटे के अंदर अट्ठाईस गाड़ियों को जो है तबाह बर्बाद कर दिया गया डिस्ट्रॉय कर दिया गया जुजवी लिहाज से या कुल्ली लिहाज से अब उसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि फिर कितनी कैजुअल्टी हुई होगी उनके कि फौजी कितने मरे होंगे कितने घायल हुए होंगे ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूं कि खुद जो है उनका ये देखिए कसाम, फलाला चौबीस सा यानी अरबम आश्रीन साखीरा यानी लेटेस्ट तो यानी अभी जो 24 घंटा गुजरा है उसमें आखिर के 24 घंटे में तमक्न यानी कुदरत हासिल किया मिन तदम बर्बाद करना डिस्ट्रॉय करना अट्ठाईस आलिया यानी यानि समान्यन आलिया अस्करिया कुलियन आज ठिकाफत महावर कता गज़ा तो इस लिहाज से जो है उन्होंने कल समझे के नौ दस बजे रात में ही जो है ये खबर दे दिए थे क्योंकि खुशी भरी खबर थी तो समझे कि फ़ी घंटा एक टैंक जो है वो इसराइल का तबाह हो रहा है और यहाँ तो आ, कल की बात की जाए तो फीस घंटा से भी ज़्यादा है यानी चौबीस घंटे में अट्ठाईस तो कोई घंटा ऐसा नहीं है जिसमें अल्लाह ताला उन लोगों को कामयाबी नहीं दे रहा तो अब आप समझ जाइए कि ज़मीनी हमला फिज़ाई हमला और समंदरी हमला फिर ड्रोन सर्विलेंस इन तमाम के बीच में यार इनके जो है फाइटर वगैरह हर तरह के जो है आलात से लैस और उसमें जो है कोई निकल के गार टनल से निकल के आता है और अपना शिकार करके फिर टैंक को तबाह करके चला जाता है एक छोटे से इसलिए के ज़रिए से तो ये अल्लाह ताला की मदद नहीं है इस पर तो फिर लोग रिसर्च करेंगे तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है जिसके वजह से जो है उनके हौसले बिल्कुल पस्त हो रहे हैं और अब बताया जा रहा है कि बस उसके पास एक ही चारा रह गया है अब वो ये कि हम फाइटरों से तो नहीं जीत पाएंगे तो फाइटरों को अब बस एक जरिए से मजबूर किया जा सकता है वो क्या कि उनके औरतों बच्चों को टारगेट किया जाए सिविलियन की कैजुअलिटी इतनी कर दिया जाए कि उनके हौसले टूट जाए या फिर सिविलियन जो उनके ख़िलाफ़ खड़ी हो जाए लेकिन आपको जो है सिविलियन की भी दाद देनी पड़ेगी बच्चों को भी दाद देनी पड़ेगी और वहाँ के जितने भी प्रोफेशनल हैं सबको दाद देनी पड़ेगी मैं अभी देख रहा था एक वीडियो आई थी तीस मिनट से तीस सेकंड की थी जर्नलिस्ट वगैरह वो तराना गागा करके जो अपनी खिदमत अंजाम दाए। एक ना एक दिन हम यहाँ पर जो है चैन और सुकून के साथ रहेंगे अभी ठीक है खौफ के आलम में हम काम कर रहे हैं अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं इसराइल की दरिंदगी को दिखा रहे हैं जान को जोखिम में डाल रहे हैं हमारे कई साथी शहीद हो गए हैं लेकिन दम जो है तराना गागा करके फील्ड में जमे हुए हैं डॉक्टरों का यही हाल है एड वर्कर का यही हाल है खातिन का वही हाल है बच्चों का वही हाल है तो हर आदमी जो है अपना अपना रोल अदा कर रहा जिसके है जिसके वजह से इसराइल जैसा दरिंदा जो है गजा को नहीं हड़प पा रहा आप अंदाजा कीजिए अमेरिका मदद के लिए आ गया अब कह रहा है यूके यूके कह रहा है कि मैं भी आ रहा हूं कह रहा है तुम भी आ जाओ कोई मसला नहीं तो ये हालत है उसमें जो है अट्ठाईस अट्ठाईस टैंक यानी जदीद तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ रशिया ने जो है यूक्रेन के जो अट्ठाईस टैंक एक दिन में तबाह नहीं किए न यूक्रेन ने रशिया के तबाह किए मैं तो रशिया यूक्रेन जंग को भी थोड़ा सा फॉलो करता था एक दिन में तीन चार टैंक को रशिया ने तबाह कर दिया था जो जर्मनी ने दिया था तो दस रोज तक उसको जो है दिखाया गया था खबर में कम से कम तो? ये देखो तुम्हारे टैंकों की ये हालत ये देखो तुम्हारे टैंकों की हालत और यहाँ अट्ठाईस अट्ठाइस एवरेज समझिए कि पंद्रह बीस शुरुआत में तो कम थे जैसे जैसे जो है वो दिन गुजरते जा रहे हैं इनकी कैजुअलिटी की तादाद बढ़ती चली जा रही है अब आप समझ जाइए ना कि इसराइली फौजी अगर टैंक में महफूज नहीं है तो फिर जो है वो टैंक से बाहर कहाँ महफूज है टैंक का मतलब एक जो फौजी है वो किले के अंदर है और उस टैंक में जो है आग लग जाती है जो भी उसमें जल के खाक हो जाता है एक एक टैंक में जो है ग्यारह बारह लोगों को बैठने की जो है वो कैपेसिटी रहती है तो इस लिहाज से आप समझ जाइए कि मैं सुबह सुबह आपको खुशी बता दिया कि ये जो इतना गुस्सा में है और ये सिविलियन को जो है बेतहाशा टारगेट कर रहा है जबकि पूरे दुनिया का जो है उसके जो हमदर्द लोग हैं मशवरा दे रहे हैं कि देखो अगर तुम इस तरह जो काम करोगे तो जीत करके भी बाजी हार जाओगे यानी तुम नगेटिव की ही जंग हार जाओगे तुम फिर जालिम के हिसाब से लोगों की निगाह में देखे जाओगे तो तुम जो है थोड़ा सा सलीके से जो है टारगेट करो लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है अब आप अंदाज़ा कीजिए कि बेंजामिन नेतन्याहू है है आप फिर वहाँ का डिफेंस मिनिस्टर है या गैलेंट या फिर वहाँ का आर्मी चीफ है और उसको अगर हर घंटे खबर पहुँचे एक टैंक यहाँ भी तबाह हो गया एक टैंक वहाँ भी तबाह हो गया उसमें दस फौजी मारे गए वहाँ पर एम्बुश कर दिया गया वहाँ पर यह हुआ अब वो बुखला करके क्या कहेगा मारो बम उड़ा दो सबको यही आएगा ना बोखलाहट में ये मामला है कि ये बोखलाहट में जो है ये कर है आप बोखलाहट में अगर जो है पब्लिक सबर का मुजाहरा कर रही है तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन है क्या बीस लाख पब्लिक को मार देंगे आप तो इस लिहाज से आप समझ जाइए कि बस इसराइल के पास टाइम जो है रनिंग आउट अब तो शेन बेट जो है वहाँ के जो एजेंसी है उसका एक जो है सबक के सरबरा है उसने इस्तीफे का मतालबा कर दिया है कि तुम इस्तीफा दे दो और अब मामला क्या है कि शुमाल में जो है मामला नहीं हो पाया है तो अब ये लोग जुनूब में आ गए तो आप कहेंगे कि जुनूब में कहाँ पे आए हैं तो आप समझ जाइए कि ये इनका जो खान यूनूस है ये असल में सेंटर है लेकिन इसके लिए यहाँ से जो है उसने कट मारा है क्योंकि यहाँ पर शार सलाउद्दीन थोड़ा नज़दीक है तीन ही किलोमीटर पर है तो ऐसे करके देरल बला इधर जाएगा खान यूनुस इधर आएगा पाँच हिस्सों में जो है वो डिवाइड है गाजा, ये समझे कि ये रफा है ये खान यूनुस है ये देर अलबला है ये गाजा सिटी है और ये नॉर्थ गाजा है ये खान यूनुस को टारगेट गया है क्योंकि यहाँ पर जो बहुत ही डेंसली पॉपुलेशन है लेकिन उसको यकीन है कि यहीं पर जो है रखा गया है इन लोगों को हॉस्टेज वगैरह को अब वो लोग जो है समझ में नहीं आ रहा कि करें तो करें क्या बोलें तो बोलें क्या तो अब कह रहा है कि रिपोर्ट टनल में जो है पानी छोड़ देते हैं ये देखें इसराइल की जी रिपोर्ट बता रहा हूँ idf reportedly carrying out intensive strikes in gaza elsewhere in gaza wall street journal says that israel has set up pumps in a strip for flooding Hamas tunnels with seawater hasn't it is decided whether to implement plans मिलेट्री हिंस हिजबुल्ला साइड से निबा अब ये देखें कि इनके पास जो है जब कोई चारा नहीं बन पा रहा है और मैदान में कामयाबी नहीं मिल पा रही है तो अब ये कौन से ऑप्शन पे जा रहे हैं कह रहे हैं कि ऐसा करते हैं कि टनल में जाते हैं तो टनल में जो है उड़ा दिया जाता है और हम लोगों को एम्बुश कर दिया जाता है कई टनल में इनको जो ट्रैप में ले लिया गया यहाँ पर टनल खोल दिया गया अब वो अंदर घुसे यहाँ पर बारूद बिछा दिया गया उड़ गया दस बीस फौजी मारे गए तो आप क्या करें तो टनल में जो है कहीं कहीं पर जो अगर नजर आ जाता है तो उसको क्या करना है कि यहाँ पर पंप लगाना है समंदर से पानी खींचना है और इस टनल में डाल देना है ताकि ये पूरा टनल से जो है भर जाए अब इसमें दो प्रॉब्लम है एक प्रॉब्लम यह है कि भाई आपका टारगेट क्या है हॉस्टेज छुड़ाना है और आपके जो इंटेलिजेंस कहती है कि हॉस्टेज टनल के अंदर है तो टनल में पानी डालेंगे तो उनके साथ आपके फर्स्ट जी मरेंगे तो क्या आप ये गवारा करेंगे उनके रिश्तेदार बर्दाश्त करेंगे नंबर एक नंबर दो ये क्या गारंटी है कि इस जो है टनल को जो है वाटर प्रूफ भी ना बनाया गया और मेरे हिसाब से तो वाटर प्रूफ ही होना चाहिए क्यों क्योंकि ये जब सी सी आया था दस साल पहले तो यहाँ पर जो है जो टनल का निज़ाम था मिस्र से जो टनल के ज़रिए से जो भी काम होता था तो उसको पानी के ज़रिए से ही जो है वो पूरा बहा दिया गया था सारे टनल में पानी छोड़ दिया गया था टनल बर्बाद हो गया था उसके बाद फिर उन लोगों ने जो है जंगी पर्पज से टनल बनाए तो उनको तो मालूम होगा ही कि भाई जब ये मामला आ जाएगा तो एक ऑप्शन ये भी है यानी अभी अमेरिका ने एक कई हजार बम दिए हैं जो बंकर बस्ट बम है जो अंदर जमीन में जा करके वो बंकर को फाड़ देता है अब आ, आपको लग रहा होगा कि जब बंकर बम आ गया है तो उससे काम हो जाना चाहिए लेकिन लगता है कि वो भी काम नहीं हो पा रहा है तभी जा करके ये फिर ऑप्शन पे आ रहा है तो मुझे लगता है कि वो जो टनल बनाया गया है वो इस सब का भी ख्याल रख करके बनाया गया है कि बंकर बस्ट तो बम बंक से जो है कैसे उसको बचाया जा सके या फिर उसमें पानी को डाल दे तो उसको कैसे बचाया जा सके वरना तो मैं शुरू में जो है जब न्यूज सुनता था मुझे मालूम नहीं था कि ये टनल वगैरह कैसा निज़ाम है स्टडी करता गया करता गया तो पाकिस्तान का एक जो है काफी पढ़ा लिखा बनता है और तजिया वगैरह अच्छा करता है तो वो तो कहा कि क्या है बस ये आएंगे और जो है हम आज को तो दो दिन में जो है उड़ा के रख देंगे कैसे उड़ा देंगे टनल है टनल है क्या है अमरीका बंकर बस बम बंक देगा और धाए थाए मारेगा भला 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 सब खत्म हो जाएगा दो दिन में मामला ये हो जाएगा और पूरा कब्जा कर लेगा और ये वो और आज वो खुद कह रहा है कि अरे भाई समझ में नहीं आ रहा कि इतने दिनों से कैसे टिके हुए तो ये जो टनल का निज़ाम बनाया गया है वो मतलब सारे चीज़ों को मद्देनज़र रख करके बनाया गया है कि हमारा दुश्मन कौन है और किस हद तक जा सकता है और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें अल्लाह ताला की मदद है तो उसके वजह से फिर अल्लाह ताला अगर बचाना चाहे तो फिर दुश्मन कोई भी रहा हरबा अपना ले तो अगर अल्लाह ताला को बचाना है तो अल्लाह बचा लेगा और अगर अल्लाह ताला को बचाना नहीं है तो फिर यह है कि आप कुछ भी कर लें तो कामयाबी नहीं मिलेगी तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो मामला हो रहा है वो अल्लाह ताला की खसूस मदद जो है शाम हाल है जिसके वजह से जो है ये लोग डट करके मुकाबला कर रहे हैं और उम्मत मुसलमान की लाज रख रहे हैं तो इस लिहाज से मैं थोड़ा आपको जो है अपडेट कर दिया अब इन जो भी लेटेस्ट न्यूज़ आती रहेगी वो मैं आपको शेयर करूँगा तयब अरदगान साहब का जो है दौरा हुआ है यहाँ क़तर और तमीम बिन हम सान से भी मुलाकात हुई है दस बारह मामले में अग्रीमेंट भी हुआ है तो ये सब भी बातें हैं तो इनशाला मैं धीरे धीरे उसको एक एक न्यूज़ करके आपके सामने लाऊंगा